वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर हमें किसी कमरे में पेंट कराना है तो पेंट कराने से पहले हमें उस कमरे का एरिया निकालना पड़ता है। जब तक हमें उस कमरे का एरिया नहीं पता होगा तब तक हम उस कमरे में पेंट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि देखिए लेबर जो आप आएगी जो उस कमरे को पेंट करने के लिए लेबर आएगी वो अपना लेबर चार्ज लेंगे। वो किस हिसाब से लेबर चार्ज करेंगे? स्क्वायर फिट के हिसाब से, ठीक है। उसने जो पैसे बता दिए तो आप भी तो कंफर्म करेंगे क्या जो उसने पैसे बताए वो सही है या नहीं है, क्या सही स्क्वायर फिट आप मजदूरी दे रहे हैं उसकी, कहीं वो पैसे ज्यादा तो नहीं ले आ रहा। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, यहां पर हम अपने रूम का डायमेंशन मान लेते हैं। तो हमारे रूम का जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें हमारे रूम की जो लंबाई है वो है 12 फुट। हमारे रूम की लंबाई है 12 फिट, ठीक है। और हमारे रूम की जो चौड़ाई है वो है 10 फुट। 10 फिट चौड़ाई रूम और 12 फिट लंबाई रूम, ठीक है। अच्छा, जो हमारे रूम की जो ऊंचाई है, जो हमारे कमरे की ऊंचाई है वो है 10.5 फुट। कितनी है? 10.5 फिट की ऊंचाई है कमरे की, ठीक। तो सबसे पहले हम अपने कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि पेंट हमारी चार दीवारों पर होगा और छत पर होना है, ठीक है। फ्लोर पे तो पेंट नहीं कराएंगे, ठीक। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है 2 लंबाई + चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज गुणा ऊंचाई, ठीक। 2 लिखा, हमारे कमरे की लंबाई है 12 फिट, ठीक। चौड़ाई है हमारे कमरे की 10 फिट, ठीक है। और हमारे कमरे की ऊंचाई है वो है 10.5 फिट, 10.5। गुणा करा लेते हैं, 2 × 12 = 10, 22 × 10.5। गुणा कराते हैं, 10.5 का जब आप 2 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 21, 21 × 42, 4 आ गया, 21 × 42, 42 × 4, 46। तो यहां पर हमारा एरिया आ जाता है कमरे की चार दीवारों का 462 वर्ग फुट, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं कमरे की छत का क्षेत्रफल। भाई छत पर भी तो पेंट होना है, तो यहां लिख लेते हैं कमरे की छत का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी कमरे की? 12 फिट, ठीक है भाई, 12 फिट लंबा होगा और 10 फिट चौड़ा होगा कमरा। 12 × 2 = 120 वर्ग फुट, ठीक। ये वो एरिया हो गया जिस पर कि पेंट होना होना है। लेकिन इस हमारे कमरे में देखिए दरवाजा भी है, 2 दरवाजे भी हमारे कमरे में और एक खिड़की भी है, उसके एरिया को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। भाई दरवाजों पर तो पेंट नहीं करेंगे ना कमरे में, जो आप ये जो पेंट होगा वो दरवाजों पर तो नहीं कर देंगे, दरवाजे का पेंट अलग होगा, है ना। तो यहां पर हम वो एरिया माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं दरवाजे का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, दरवाजे की अंगन जो लंबाई होती है वो होती है 7 फिट और चौड़ाई 3 फिट, 7 × 21 वर्ग फुट, 7 × 21 वर्ग फिट। और हमारे कमरे में 2 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं, ठीक है। तो इधर लिख लेंगे, इसलिए 2 दरवाजों का क्षेत्रफल। 1 दरवाजे का क्षेत्रफल था 21 वर्ग फिट, तो 2 दरवाजे का क्षेत्रफल कितना होगा? 42 वर्ग फुट, ठीक है। 1 दरवाजे का 21 वर्ग फिट, 2 दरवाजे का क्षेत्रफल हो गया 42 वर्ग फिट। अब हम निकाल लेते हैं खिड़की का क्षेत्रफल। एक खिड़की भी है हमारे उस रूम में, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं खिड़की का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई।
हमारे खिड़की की जो लंबाई है वो है 5 फिट और चौड़ाई है 4 फिट, 5 × 20 वर्ग फुट, ये हो गया हमारे खिड़की का क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि एक 20 वर्ग फिट और 42 वर्ग फिट ये एरिया घटाना है आपको। ठीक, और कौन से एरिया को आप प्लस करेंगे, 462 और 120 वर्ग फिट को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम पेंट करने योग्य क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कमरे का। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कमरे में पेंट करने योग्य क्षेत्रफल, ये वो क्षेत्रफल होगा जिस पर पेंट होना है। ठीक है, अच्छा कितना क्षेत्रफल होता है, एक तो था 462 और 120 वर्ग फीट, ये था हमारी छत का क्षेत्रफल। ठीक, और इसमें घटाया क्या जाएगा, दो दरवाजों का क्षेत्रफल 42 वर्ग फीट और घटाया जाएगा खिड़की का क्षेत्रफल 20 वर्ग फीट। ठीक, 462 और 120 ये हो जाएगा आपका 582 वर्ग फीट और इसमें से घटाना है 42 और 20 62 वर्ग फीट एरिया हम घटा देते हैं दरवाजे और खिड़की का, 8 में 6 गया 2, 5 का, तो यहां पर हो जाता है 520 वर्ग फीट। ये वो एरिया आया है जिस पर की पेंट होना है। अब जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं वो उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले से वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर जो पुट्टी पुट्टी अगर आप कराते हैं उसका जो खर्चा है 5 रुपए प्रति वर्ग फीट है, लेकिन जब आप पेंट कराते हैं पेंट का जो यहां पर खर्चा है वो है 10 रुपए प्रति वर्ग फीट, जिसमें वो 2 कोट पुट्टी करेगा, 1 कोट प्राइमर होगा और उसमें 2 कोट वो पेंट के भी करेगा। तो इस तरीके से 10 रुपए प्रति वर्ग फीट चल रहा है अपने उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में पेंट कराने का खर्चा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसलिए पेंट कराने का लेबर चार्ज, तो यहां पर हम पेंट कराने का लेबर चार्ज निकाल लेते हैं। हमारा जो क्षेत्रफल था जिस पर पेंट होना है वो है 520 वर्ग फीट का एरिया है और जो लेबर चार्ज है वो है 10 रुपए प्रति वर्ग फीट, 10 का गुणा करा देते हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 5200 रुपए। मतलब 5200 रुपए में आप 10 बाय 12 के रूम में बड़े आसानी से पेंट करा सकते हैं। ये तो हो गया लेबर चार्ज, और आपने देखिए आपने लेबर चार्ज कब निकाला, जब आपको एरिया पता था। ठीक है, लेकिन अभी वो लेबर जो आता मिस्त्री आता पेंट करने के लिए वो आपको बताता आपका 600 वर्ग फीट एरिया हो गया, 700 वर्ग फीट एरिया हो गया, आप उसको पैसे दे देते। ठीक, लेकिन जब आपको आएगा कि हम अपने रूम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं तो वहां पर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी रूम का एरिया निकाल सकते हैं जिस रूम में आपको पेंट कराना है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।